क्या आपको पता है हास मशीन में पी कॉल ऑप्शन का यूजेस क्या है? मान लो आप कोई भी कटर यूज कर रहे हो, एक शॉर्ट लेंथ और एक लॉन्ग लेंथ। आपने शॉर्ट लेंथ के लिए कूलेंट ऑप्शन सेट कर दिया, लेकिन लॉन्ग लेंथ के लिए कूलेंट ऑप्शन सेट नहीं किया। तो वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम में डाल सकते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे कि आपका कोई भी वर्क ऑफसेट, उसके बाद टूल ऑफसेट, टूल ऑफसेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे साइट में आ जाएगा कूलेंट का पोजीशन। यहाँ पे कूलेंट पोजीशन आपको डालना पड़ेगा, आपका शॉर्ट लेंथ के लिए कितना चाहिए पोजीशन और लॉन्ग लेंथ के लिए कितना पोजीशन चाहिए। यहाँ पे आपको उसका पोजीशन का वैल्यू लिखना पड़ेगा। पॉइंट जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 to 20 तक आप कोई भी पोजीशन लिख सकते हो। यहाँ पे डालने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका, मान लो एक शॉर्ट लेंथ वाला कूलेंट रन हुआ, उसके बाद लॉन्ग लेंथ आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम के हिसाब से वो लॉन्ग लेंथ के लिए आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो एडजस्ट कैसे हो रहा है। थैंक यू।